तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज देख सकते हैं अपने पीछे रीवा का नया पार्क, मतलब थोड़ा रिवर व्यू पॉइंट बना। ये बीहर रिवर व्यू फ्रंट रिवर है, मतलब ये इको पार्क के पीछे है। ये देखिए बीहर रिवर फ्रंट रिवा, ये मतलब ये छोटी पुल जो है, ये मतलब इसके पीछे छोटी पुल पार्क थोड़ा बना है। ये देखिए यहाँ पे पार्क बना है, मतलब इसी के जस्ट सामने इको पार्क है। मतलब ये जो बीहर नदी वाले बड़ी पुल है, इसी को थोड़ा सौंदर्यीकरण कर दिया गया है इसके अंदर। ये देखें वही, चलिए आज दिखाते हैं आपको पूरा क्या कैसा है सीन। अंदर चलते हैं पार्क, मतलब किनारे किनारे पूरा पार्क बना है, तो मतलब जो टहलने वाले हैं, वॉकिंग करने वाले सब यहाँ पे आ सकते हैं। चलिए अंदर देखते हैं भाई, नया नया बना है तो भाई हम भी चलिए देखते हैं। ये गाइस देख सकते हैं बीहर रिवर फ्रंट रिवा, और ये अपनी पूछे तो दिखा दिए, मतलब यहाँ से देखिए पूरी गाड़ी आ रही है। सो ये देख सकते हैं गाइस, जो बीहर व्यू पॉइंट है ना, इसको अपन पचमठा प्रवेश द्वार बोलते हैं, मतलब यहाँ पे पचमठा मंदिर। चलिए हो गया, मंदिर के भी दर्शन हो जाएंगे। फ्री पार्किंग है यार ब्रो, चलिए फ्री पार्किंग ही ढूंढना है यार, बिकॉज यहाँ तेल लगाने को पैसा नहीं मिल रहा है। चलिए यहाँ अंदर चलते, यातायात पुलिस, जबलपुर की पुलिस भी है और रीवा की पुलिस भी, अच्छी चीज़ है। ये देखिए पचमठा मंदिर, यहाँ पे बीहर रात को आरती भी होती है। ये देखिए कितना वीआईपी पार्क बनाया आप लोग, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़, पार्किंग की फ्री है। ये देखिए यहाँ पे मेन मंदिर, आगे चलिए दिखाते हैं आपको पूरा, स्वामी ऋषि कुमार संस्कृत उप माध्यमिक विद्यालय रीवा। ये भी सब चीज़ है, अच्छा बैकग्राउंड, मतलब जो एरिया है काफ़ी पीसफुल एरिया है। हालांकि अभी जेसीबी चल रही है इस कारण से, ये मतलब बीहर नदी के तट पर बना है ना, तो और अच्छा है। देख मतलब रात को और अच्छा लगता होगा यार, मतलब ये रात को लाइटिंग वाइटिंग मस्त जलती है ना, मस्त लगता होगा। और इसका जो है पूरा येलो टाइप का थीम दिया गया है, जैसे रात को येलो जलेगा तो ये भी पूरा क्रीमी टाइप का है। अभी वर्क ऑन प्रोसेस है, सोचिए आज चलिए दोस्त को सिखाते सिखाते आप लोगों को पचमठा मंदिर भी दिखा देते हैं। और क्या बढ़िया है ये एरिया, अच्छा है। अब ये देखिए यहीं से आप नदी के किनारे किनारे आप लोग काफ़ी वॉकिंग कर सकते हैं, यहाँ से वो पूरा जुड़ा है ऐसा है। ये देखिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे, देखिए ये पीछे अपने बीहर नदी है, यहाँ पूरा बीहर नदी का पानी आ रहा है। फिर आगे दिखाए थे, मतलब छोटी पुल बड़ी पुल पड़ती है, अच्छा पीसफुल एरिया है यहाँ पे। मतलब मैं ज़्यादा इधर तो देखे नहीं घूमा हूँ, मेरे खुदा ही नहीं पता था पचमठा मंदिर ही बीहर नदी, मतलब फ्रंट व्यू रिवर जो भी है, अच्छा है। मतलब ये देखिए इसमें लाइट्स और लैंप्स जो हैं, ये आरती का प्लेस है गाइस, यहाँ पे आरती होती है। और ये देखिए आपको रात का व्यू, मतलब ये वाली पीली लाइट जलती है, मतलब येलो लाइट, ये देखिए कितना मस्त है। अब एरिया काफ़ी पीसफुल है, मतलब थोड़ा सा ये जेसीबी की खुदाई चालू है ना, इस कारण से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, बाकी बहुत पीसफुल एरिया है। मतलब यहाँ पे कोई मेन भगवान जी नहीं, मतलब यहाँ पे हर भगवान की पूजा होती है, मतलब मेन जो, और मतलब कुछ तो मेन होंगे ना यहाँ पे, मतलब मेन यहाँ पे हनुमान जी, इसको मतलब पचमठा मंदिर इनको बोलते हैं यहाँ पे। मतलब रात को यार मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए यहाँ पे गुब्बारे भी लगे हैं, और यहाँ पे मतलब लाइट इतनी तगड़ी तगड़ी लगी रात को। एक बार चलिए, एक बार कभी आपको आएंगे तो दिखाएंगे। मतलब मेरे को पता नहीं था यार कि बीहर व्यू पॉइंट और पचमठा एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए हो गया, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मतलब यहाँ पे काफ़ी भगवान श्री सुरेश्वराचार्य, मतलब बहुत सारे आचार्य यहाँ पे हैं। ये देखिए प्रज्ञान ब्रह्म गोवर्धन मठ पचमठा, बहुत सारे मतलब यहाँ पे पूरे देवी देवता है, जो भी आचार्य हैं यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं सारे देवी देवताओं के, और आचार मतलब आचार ज़्यादा हैं यहाँ पे। पचमठा मंदिर मतलब शायद ये शिक्षा दीक्षा का केंद्र होगा, ये तो मुझे ज़्यादा नहीं पता है गाइस, कि श्री राम दरबार अखिल आर्यावर्त रीवा संगीत में श्री सुंदरकांड पाठ दीपोत्सव एवं माँ बीहर गंगा आरती, ये कुछ ऐसा यहीं पे मेन आरती होती है। यहाँ पे देखिए नदी के तट के नीचे उतरने के लिए भी यहाँ पे बहुत से लोग स्नान करते हैं। ये देखिए यहाँ पे पूरा, ये देखिए नदी में तेज बहाव है, कृपया नदी में प्रवेश न करें, गहराई में न जाएं, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मछलियाँ भी है भाई, इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मछली हैं भाई, अगर आपको दिख रही हो तो।